चलिए अब हम सेकंड क्लास पढ़ेंगे। पॉलीओलेफिन्स हो गए हमारे, पॉलीओलेफिन्स एडिशन में। अब हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर और कंडेंसेशन जो आपके पॉलीमर्स होंगे। तो इसमें आपको पता है मेजर प्रोडक्ट के साथ माइनर प्रोडक्ट भी निकलता है। क्या होता है वो माइनर प्रोडक्ट? वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, काफ़ी चीज़ हो सकती है ऐसी, ठीक है। और बेसिकली हमें यहाँ तीन तरह के पढ़ने हैं। पहले तो हमें पढ़ना है पॉलीअमाइड, पॉली अमाइड। अमाइड आपको पता है, अमाइड होता है पेप्टाइड बॉन्ड सी ओ और एन एच का, ठीक है, पॉलीअमाइड। इसमें पर्टिकुलरली एक आयनिक करेक्टर भी आता है ज्यूटराइन, वो बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे। अभी पॉलीअमाइड देख लो। पॉलीअमाइड में देखो आपको मेनली पढ़ना है नाइलॉन सिक्स, एक आपको पढ़ना है नाइलॉन 6.6 और एक हम क्वेश्चन में नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 पढ़ेंगे, ठीक है, नाइलॉन 2 और 6 ये पढ़ेंगे। देखो पॉलीअमाइड के बाद आपने पॉलीअमाइड तो मेन हो गया, दूसरा है आप पे पॉलीएस्टर, पॉली एस्टर्स। एस्टर्स आपको पता है कौन सी बॉन्ड होते हैं, सी ओ ओ आर। इसमें आप दो पढ़ोगे, मैंने आपको बताया था पॉलीएस्टर में कौन कौन आएंगे, टेरिलिन आएगा, ठीक है, टेरिलिन और ग्लिप्टल, टेरिलिन और ग्लिप्टल ये दो आएंगे, ठीक है। देन उसके बाद जो आपका तीसरा है, तीसरा वो आपका है फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। बच्चे बहुत गलती करते हैं यहाँ, मोनोमर गलत लिख देते हैं। मोनोमर हमेशा इसके फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड होते हैं, हमेशा जो तीसरी क्लास आएगी मोनोमर हमेशा फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड होंगे, ये याद रखना। और इसमें हमारे दो एग्जांपल आते हैं, एक आते हैं नेवोलैक, नेवोलैक सुने, नेरोलैक, नेरोलैक पेंट का आता है ना वही वाला, नेवोलैक और बेकालाइट, ये आपके कंडेंसेशन पॉलीमर हैं, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमर में पॉलीअमाइड पढ़ना है, पॉलीएस्टर पढ़ना है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड पढ़ना है, क्लियर, बहुत बढ़िया। शुरुआत करते हैं पॉलीअमाइड से, ठीक है। तो हम सबसे मेन पढ़ना चाहेंगे पॉलीअमाइड, ठीक है, थोड़ा इंक भर लें फिर आगे पढ़ाते हैं। मेन क्लास है हम पे पॉली अमाइड, पॉलीअमाइड। मेन बात क्या है यहाँ पे, आपको नोट याद रखना है, यहाँ पे पेप्टाइड, पेप्टाइड बायो वाले को पता है प्रोटीन होता है, पेप्टाइड या अमाइड बॉन्ड होगा या लिंकेज होगी। कैसी होती है वो, ऐसी होती है सी ओ एन एच, सी ओ एन एच। सी ओ क्या है, कोबाल्ट नहीं, कार्बन और ऑक्सीजन है, एन नाइट्रोजन एच हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे ये बनेगा कैसे, कहीं हम पे सी डब्ल्यू एच होगा और कहीं हम पे अमाइन ग्रुप होगा। तो हम क्या करेंगे, अमाइन देखो एन एच एच ऐसे लिख सकते हैं ना, एन एच टू, तो एच आर ओ एच जाएगा, इसी का तो कंडेंसेशन होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा सी ओ और क्या बचेगा एन एच। तो ऐसे जो भी कंपाउंड होंगे तो यहाँ दो लेने, एक दो मोनोमर लेने, एक एसिड होगा और एक अमाइन होगा, तो बनेगा आपका ये, ठीक है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा को पॉलीमर हो, होमो पॉलीमर भी हो सकते हैं, ऐसा एक कंपाउंड भी तो हो सकता है जिसमें दोनों हो, सी ओ भी हो एन एच भी हो पहले से, ठीक है। तो पॉलीअमाइड में नंबर वन इज़ योर नायलॉन 6। सबसे मेन बात क्या है कि यहाँ पे पहली बात तो ये पॉलीमाइड है, सी ओ एन एच ग्रुप होगा, बट यहाँ पे हेयर 6 इंडिकेट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 6 यहाँ पे इंडिकेट करता है कि कितने कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, 6 इंडिकेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नायलॉन का एक और नाम है ऑल्सो नोन एज परलॉन। ये जो नायलॉन है, नायलॉन का कपड़ा आपने सुना है, एप्रन बनता है इससे, जो किचन में पहनते हैं ना एप्रन, वो बनता है। तो ये सब्स्टिट्यूट फॉर वूल है, ऊन जो होती है नेचुरल, जो आपकी भेड़ से बनती है, शीप से, खड्डू से, तो उसका है नायलॉन 6 परलॉन। अब इसका जो मोनोमर होता है
मोनोमर वो होता है भैया कैप्रोलैक्टम, कैप्रो लैक्टम मोनोमर होता है कैप्रोलैक्टम, और ये एक तरह का होमोपॉलीमर है, एक ही है, दो से नहीं मिलके बनेगा, एक ही है। तो याद रखना ये एक तरह का होमोपॉलीमर है, दो से मिलके नहीं बनेगा, एक ही है, बस एक ही है, जिसका नाम है कैप्रोलैक्टम, होमोपॉलीमर है। बनता कैसे है? तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कार्बन कितने होंगे? छः होंगे, बट मिथाइलिन वाले कार्बन पाँच होंगे, एक सी ओ वाला होगा, एक कार्बन तो यही हो गया, बाकी पाँच आएंगे मिथाइलिन वाले, सी एच टू वाले, ठीक है। तो बनाएं, तो ये दिखता कैसे कैसे है? तो एक तो इसे बढ़िया से हम ऐसे बना सकते हैं, सी एच टू होल फाइव एन एच और सी ओ, बेसिकली पहले तो ऐसे बन सकता है, ठीक है, सी ओ एन एच आ गया, सी एच टू होल फाइव आ गया, बढ़िया नहीं लग रहा? तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, इसे डबल बॉन्ड ओ, क्या करूँ, कुछ चेंज थोड़ी करा, या इसे वैसे रिंग वाली फॉर्म में बना लूँ, ठीक है। रिंग वाली फॉर्म में कैसे बनेगा? एन, पर ये हेट्रोलिटिक रिंग होगी, हेट्रो मतलब बीच में एन आ गया, कार्बन होता अगर हर जगह तो होमोलिटिक होती, तो एन एच आ गया, इधर एक सी, इधर डबल बॉन्ड ओ। अब देखो कितने रिंग बनानी पड़ेगी, तो एक तो नाइट्रोजन आ गया, बाकी एक ही हो गया कार्बन, और छह हाइड्रोजन और आने चाहिए, तो एक दो तीन चार पाँच छः बन गए, एक दो तीन चार पाँच छः, बस बनी गई। यहाँ पे सारे आपके कार्बन होंगे सी एच टू वाले, ठीक है, ऐसे मैं एम्फसाइज तो नहीं करूँगा, ऐसे बना लेना, बट यहाँ पे आपको पता है हर जगह क्या है, एक कार्बन है और साथ में उस पर दो हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन है, साथ में क्या है, दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक कार्बन, साथ में क्या है, दो हाइड्रोजन है। तो चाहे आप पहले प्योर फॉर्म बनाना, पहले सिर्फ प्योर फॉर्म बनाना, उसमें सी एच टू मत दिखाना, दोबारा और लिख के दूसरे डायग्राम में सी के साथ एच टू भी दिखाना, ऐसे फिर यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे एच आएगा, यहाँ पे एच आएगा। तो देखो सी एच टू कितने, एक दो तीन चार पाँच, एन एच एक सी ओ एक, ये। या तो इसे ऐसे भी बना सकते हो, दोबारा एक तो ये बन गया, या तो सिंपल वाला बना लो एन एच, जो मैं आपको बोल ही रहा था, नीचे पॉइंट ही नहीं है, नीचे देखो ऐसा है, जबकि बेंजीन में नीचे क्या होता है, पॉइंट होता है, छः। सर ये भी तो छः ही कार्बन है, ठीक है, सही बात है, छः कार्बन है, पर एक जगह नाइट्रोजन ने भी तो ले रखी, इसलिए ठीक है, यहाँ पे सी बनाना, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ बनाना, यहाँ पे बना सकते हैं। एक तो ये होमोपॉलीमर है, साथ में ये हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक क्यों है? क्योंकि कार्बन कार्बन की कंटिन्यूटी नाइट्रोजन ने तोड़ दी रिंग में आके, तो हेट्रोसाइक्लिक है, साथ में होमोपॉलीमर है। मोनोमर का नाम है कैप्रोलैक्टम, पॉलीमर जो बनेगा उसका नाम क्या है, नायलॉन सिक्स है, सिक्स के इंडिकेट कर रहे हैं कार्बन एटम की पोजीशन। तो आपको अगर मोनोमर समझ में आ गया, तो अब हम इसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है, पल्लॉन भी कहते हैं भैया इसे। तो रिएक्शन देखो क्या है, रिएक्शन सिंपली सी, आप कोई सी भी फॉर्म बना लो और उसका वो कर लो, क्या पॉलीमराइजेशन कर लो, कोई सी भी फॉर्म, दो बना लेते हैं यार, एक तो ये वाली बना लेते हैं, एन लेंगे अलग अलग, कौन, सी एच टू होल फाइव एन एच और सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे हम लेंगे होल एन, मतलब होल एन नहीं, एन लेंगे ऐसे। या तो आप ऐसी वाली फॉर्म बना लो, एन एच सी डबल बॉन्ड ओ, अच्छा कोने और बनाना, नीचे से एच रहेगा ऐसे, ठीक है, सी बना लिया, बहुत बढ़िया, सी बना लिया, एरो बनाओ ऐसे नीचे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या बीच में रिंग है? नहीं, रिंग नहीं होगी भैया, ऐसे एस एन एच सी ओ, हेट्रोसाइक्लिक है। अब हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करेंगे, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, साथ में यहाँ पे आपको बताया वाटर का रिमूवल होगा, एच टू ओ, हाँ कंडेंसेशन है तो वाटर का रिमूवल होगा। मैकेनिज्म वैसे कोई बताते नहीं, पर आप देख सकते हैं बुक में होगा, या एक बार सर्च मार लेना कहीं भी, इसका मैकेनिज्म मिल जाएगा, हायर क्लास में होता है, हीट करेंगे, और क्या होता है, दिखने में तो आपको ऐसे ही लगेगा, पर एसोसिएशन हो जाएगा, होल एन नीचे आएगा, ऐसे एसोसिएशन हो जाएगा, होल एन नीचे आएगा, दिखने में तो ऐसे ही लगेगा, कोई फ़र्क नहीं होगा मेजरली, दिखने में ऐसे ही होगा, पर यह है कि पहले अगर हाइड्रोजन ज़्यादा थे किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, तो अब उसे छीन लिए जाएंगे,
अब कम है, जैसे 100 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन थे, अब सिर्फ 98 या 97 या 96 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन रहेंगे, कार्बन उतने ही रहेंगे, ऑक्सीजन भी निकलेगा ऐसी, ठीक है। तो देखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस यहाँ पे फ़र्क क्या है, दोनों एक जैसे हैं, होल एंड आगे हैं तो अलग अलग हैं, कैप्रोलैक्टम्स अलग अलग हैं और यहाँ पे एक बन गए। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये भैया आपकी कैप्रोलैक्टम है, कैप्रोलैक्टम जो इसका मोनोमर है, और ये आपका बना नायलोन सिक्स। सिक्स का इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ कितने कार्बन हैं, पाँच तो मिथाइलिन वाले ग्रुप हैं, CH2 मिथाइलिन ग्रुप होता है, और एक है माइड लिंकेज का CO वाला, कार्बोनिल वाला, ठीक है। ये अब इसके यूजेस क्या होते हैं, देखो नायलॉन सिक्स एक तो कपड़े के जैसे यूज़ होते हैं, तो पहले प्रॉपर्टी देख लो, एक तो इलास्टिक होगा तभी हम इसे पहन सकते हैं, फ्लेक्सिबल होगा ना, तो एक तो इलास्टिक होता है, इलास्टिक लाइक प्रॉपर्टीज़ होती है, इलास्टिक लाइक प्रॉपर्टीज़ है मतलब ये इलास्टोमर है क्या, नहीं फाइबर है, ठीक है, पर इलास्टिक है क्या करें, ठीक है। फ्लेक्सिबल होगा भाई, लाइट वेट होगा, अब लाइट मतलब ये मत समझना बस मैं लाइट लिख रहा हूँ, लाइट मतलब हल्का है, ये नहीं कि रोशनी निकलेगी इससे। ड्यूरेबल होता भैया, बहुत बढ़िया, आग नहीं लगती इसमें, केमिकली इनर्ट होता है और आग भी नहीं लगती, तो केमिकली भी क्या है, इनर्ट है, ये आप याद रखना, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, लाइट है, ड्यूरेबल है, और केमिकली कैसा है, इनर्ट है, ये आप चीज़ याद रखना, ठीक है, वेरी गुड। एंड देन इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इसके यूज़ आपको पता है, फैब्रिक में यूज़ होगा, टायर के जो कॉर्ड्स होते हैं उसमें यूज़ होता है, टायर के जो कॉर्ड्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। मोनोमर क्या है, कैप्रोलैक्टम, पॉलीमर क्या है, नायलॉन सिक्स। सिक्स का इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये एक तरह का होमोपॉलीमर है, एक ही मोनोमर यूनिट लगी, और हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि कार्बन की रिंग में कौन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, अमाइड लिंकेज होगी यहाँ CONH। इतनी बातें हो गई, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में, मोनोमर भी वैसा है, पॉलीमर भी वैसा है, एक वाटर निकलेगा, पर मोनोमर में एन आ गए अलग अलग, पॉलीमर में एक ही बन गया। तो यूजेज हैं जैसे इसमें यूज़ इन टायर कॉर्ड्स, टायर के जो कॉर्ड्स होते हैं उसमें यूज़ होगा, ठीक है, टायर जो होता है व्हील का उसमें यूज़ होगा। साथ में इससे रोप्स बनती है, जो माउंटेनियरिंग जो रोप्स होती हैं वो बनती है, जो पर्वतारोही होते हैं वो जब चढ़ते हैं एवरेस्ट में इन जगह, तो इन्हीं रोप्स का यूज़ करते हैं, और फैब्रिक में यूज़ होगा इसका, फैब्रिक्स में, ठीक है। ये चीज़ें थी, अब आगे जाके कहानी थोड़ी मुश्किल इसलिए हो जाएगी अगर आप मोनोमर्स याद नहीं रखोगे, बार बार मेमोराइज करोगे, यू ऑल नो द हेक्स कैसे याद करना, ठीक है, तो वैसे कर लेना याद। अब दूसरा जो पॉलीअमाइड में आएगा वो होगा नायलॉन 6.6, नायलॉन 6.6 सेकंड जो है नायलॉन 6.6 है, ये भी उसी का भाई है, ठीक है। और नायलॉन 6.6 के दो मोनोमर्स होते हैं यार, ठीक है, मोनोमर्स होंगे इसमें दो, कौन कौन मेरे साथ याद रखो, पहला तो है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, अमाइन एक ही आएगा, वो कोऑर्डिनेशन में आता है डबल एम, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ अमाइन रहेगा। और दूसरा है एडिपिक एसिड दो हैं, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड। अब देखो यहाँ 6.6 क्या इंडिकेट कर रहा है, वही कार्बन की पोजीशन या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं 6.6 इंडिकेट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो कुल मिला के 12 कार्बन होंगे, पर 6 एक साइड होंगे, 6 एक साइड होंगे। अब देखो हैं कैसे मोनोमर्स की ट्रिक, आपको यहीं से समझ में आ गई, नाम तो आप याद रख लिया, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड, और स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो बहुत ईजी। देखो हेक्सा मिथाइलिन, आपने मिथाइलिन देखा क्या होता है, CH2 होता है और हेक्सा है तो 6 लगा दिया, हेक्सा मिथाइलिन, क्लियर है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन है, ठीक है, तोड़ते हैं, हेक्सा मतलब 6 होंगे, मिथाइलिन मतलब याला ग्रुप CH2, तो हेक्सा मिथाइलिन मतलब CH2 ग्रुप 6 होंगे, ठीक है, हेक्सा मिथाइलिन CH2 ग्रुप 6 होंगे, और अमाइन डाई है मतलब दो अमाइन लगाएंगे, तो अमाइन ग्रुप एक इधर NH2 और एक इधर NH2, तो देखो बन गया कितना इजी, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, बहुत बढ़िया, ठीक है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, मिथाइलिन CH2, हेक्सा है तो 6, डाइअमाइन NH2 NH2, तो एक 6 की तो बला टेली, 6 कार्बन है बस,
छः और यहाँ से आएंगे। ऐसे याद रखने मोनोमर यूनिट को, जितना बन सकेगा उतना करेंगे। तो दूसरा क्या है, एटिपिक एसिड। तो देखो, एक तो हमें देखो, मैंने आपको ये भी बताया था कि अमाइड बॉन्ड में एक जगह NH होना चाहिए, NH2 अरे होना चाहिए, COOH, COOH वाला OH देगा, ये एक H देगा, तभी तो CONH बनेगा। सिंपल सी बात है। तो हमें COOH चाहिए यहाँ से। तो एक ऐसा हो सकता है कि कार्बन अंदर हो, 5 हो, और COOH हो, तब भी 6 हो जाएंगे, 5 और 1 6। पर यहाँ पे दूसरा वाला है क्या, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, एक यहाँ पे होगा COOH और एक यहाँ पे होगा COOH, ये भी तो चल सकता है। ठीक है, अंदर क्या चीज़ होगी, अंदर फिर वही मिथाइलिन होगा, क्योंकि इसे दो जोड़ने हैं ना। आप खुद सोचो, अगर CH3 लिख दूँ मैं तो सिर्फ COOH आ सकता है, एक हाइड्रोजन कम करा तो अब दो बचे, उसकी जगह भी COOH आ गया। नहीं आया समझ में? पहले होता है मिथेन CH4, ठीक है, एक हाइड्रोजन कम कर दिया, तीन बचे, उसकी जगह आ गया COOH। ठीक है, एक और कम करो, क्योंकि हमें तो एक और कार्बन चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, COOH। ये तो ये हमारा एडिपिक एसिड है। ठीक है, क्या है भैया, एडिपिक एसिड। पर ये कितने लेने पड़ेंगे सर, 4 लेने पड़ेंगे भैया। कितने लोगे, 4 लोगे ना, तभी तो 6 बनेंगे। अरे यार, 4 नहीं लोगे। ठीक है, ये 4, 5 और 1 6। ठीक है, तो दो हम पे COOH एसिड है, और मेरे हिसाब से मेन चेन में से कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो आप इसका IUPAC लिखना चाहो तो ओइक एसिड आएगा, ठीक है, या कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। मेरे हिसाब से मेन चेन में सारे गिन सकते हो आप, तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड कब आता है, जब आप फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को ना गिन पाओ। आज गिन लेंगे तो आ गया, हमें तो कॉमन नेम से मतलब है, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। तो क्या होगा, हेक्सामिथाइलिन 6, मिथाइलिन 2 अमाइन, और एडिपिक एसिड। तो देखो, एक 6 तो इसने टाल दी बात, यारा 6 यहाँ से, 6 और चाहिए, तो 2 COOH और 1 CH2 होल 4, मिथाइलिन 4 हो जाएगा। तो ये भी 6 हो गया, 4 और 2 6, तो दूसरा वाला भी निपट गया। ये है, अब आपको समझ में आ ही गया क्या होगा, यहाँ से H जाएगा और यहाँ से OH जाएगा, बन जाएगी CO और NH की बॉन्डिंग। यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, बन जाएगी CO और NH की बॉन्डिंग, जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड में बोलते हैं, और हमारा नायलोन 6.6 बन जाएगा। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया। अब हम इसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करेंगे। तो देखो, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन करी जाएगी। तो सिंपल सी बात है, देखो रिएक्शन करने के लिए हम क्या लेते हैं, दोनों को ले लेते हैं एक बार, NN। ठीक है, तो N टाइम्स ले लिया, किसको, सबसे पहले आप एसिड वाला रख लो, CONH बनाना चाहते हो ना, तो CO वाला पहले रख लेना। तो N मॉलिक्यूल ले लिया, COOH। ठीक है, तो HOOC, COOH, CH2 होल 4, और COOH, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ OH, ऐसे ले लिया। ठीक है, अब प्लस इसमें ऐड करा हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, तो एक NH2 बनाना था ना, ये तो एक H में ऊपर बना रहा हूँ भैया, या इधर बना लो NH2, और फिर CH2 होल 6, और यहाँ पे NH2, ये भी N ले रहे हैं। होगा क्या, जब हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कराएंगे तो वाटर निकलेगा, अगर ये N है तो -NH2O निकल जाएगा, -NH2O। टेम्परेचर याद करने तो कर लेना, 420 से 463 केल्विन होता है। ठीक है, और अब करना क्या है, अब करना कुछ नहीं, OH और H भाग गए। ठीक है, OH और H भाग गए। ठीक है, तो -H2O हट गया, तो जो बचा उन्हें लिखो। तो देखो क्या बना, HOOC, देन उसके बाद CH2 होल 4, ये बना, देन उसके बाद यहाँ पे बचा CO, तो C डबल बॉन्ड O, ये बचा CO, देन उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, देखो OH और H गया, तो यहाँ पे बचा NH। ठीक है, देन ये CH2 होल 6, एंड देन NH2, और फिर इसे होल एन बना देंगे। ये जो CONH है, यही तो है अमाइड बॉन्ड या अमाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड, ये। ठीक है, तो ये आपका नायलोन
6.6 है। मोनोमर में पहला कौन सा है? एडिपिक एसिड, दूसरा है हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन, एडिपिक एसिड, हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन, और यह है नायलॉन 6.6, नायलॉन 6.6, 6.6 आपको पोजीशन बताते हैं, पता चली गया आप लोगों को। ठीक है भाई, इसके यूज़ क्या होते हैं? क्योंकि ये वैसी ही प्रॉपर्टी शो करेगा जैसे नायलॉन 6 की है। प्रॉपर्टीज़ आर सेम एज ए नायलॉन 6, ये भी ड्यूरेबल होगा, ये भी फ्लेक्सिबल होगा, ये भी रेजिस्टेंट टू केमिकल होगा, हीट होगा, ठीक है, इलास्टिक होगा, लाइट होगा, सारी चीज़ें। यूजेस के मेन यूज है इसका ब्रिस्टल्स फॉर टूथ ब्रश, ब्रिस्टल्स फॉर टूथ ब्रश, जो हमारा ब्रश होता है दांत साफ करने का, उसके ब्रिस्टल्स बनते हैं। ब्रिस्टल्स पता है ना आपको, ऊपर जो फाइबर्स निकले रहते हैं ना, किस में? टूथब्रश में, वो होता है। तो ब्रिस्टल्स फॉर टूथब्रश के लिए इसे यूज़ करा जाता है। ठीक है, और किसके लिए यूज़ करते हैं? और जनरली रैपिंग शीट्स के लिए यूज़ करते हैं, रैपिंग शीट्स के लिए भी इसे यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो ब्रिस्टल्स फॉर टूथब्रश बहुत इंपॉर्टेंट है, और रैपिंग शीट के लिए। देख लो नायलॉन 6.6 कैसा है, इसका कोई दूसरा नाम है? नहीं जी, इतना ही है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया नायलॉन या 6.6 और नायलॉन 6, मतलब ये हमने पढ़ लिया पॉलीमाइड। अब हम पे जो नेक्स्ट चीज़ आएगी वो है पॉलीएस्टर, और पॉलीएस्टर में यहाँ पे दो ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ना चाहेंगे पॉलीएस्टर, ये सारा मिटाएंगे और पॉलीएस्टर पढ़ेंगे। एस्टर बॉन्ड बनना चाहिए, तो देखो कैसे बनेगा। एस्टर बनता भी आपको पता है किससे? अल्कोहल और एसिड से बनता है। तो अल्कोहल और एसिड लेंगे यहाँ पे अच्छी तरह का पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर में कौन सा बॉन्ड होता है? एस्टर पता है ना, आर सी ओ ओ आर होता है एस्टर। ईथर होता है भाई, आर ओ आर, ईथर थोड़ी बोल रहा हूँ, आर ओ आर। आर पता है ना, अल्काइल ग्रुप होता है, सी एच थ्री मिथाइल, सी टू एच फाइव इथाइल, सी थ्री एच सेवन प्रोपाइल, वैसा। तो आर सी ओ आर होता है एस्टर, या एस्टर लिंकेज है सी ओ ओ वाली। एक सी ओ सिंगल बॉन्ड, एक सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड। ठीक है, तो पॉलीएस्टर कैसे बनता है? देखो, बाय कंडेंसेशन ऑफ, कंडेंसेशन मतलब आपको पता है वाटर, एल्कोहल, अमोनिया हटाएंगे, बाय कंडेंसेशन ऑफ डाइओल्स, डाइओल्स, डाइओल्स क्या हुए? डाइओल्स, ओल, ओल होता है एल्कोहल, डाइओल मतलब दो एल्कोहलिक ग्रुप, दो ओएच ग्रुप होने चाहिए, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल में होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल में दो ओएच ग्रुप होते हैं वैसे ही। ठीक है, तो बाय कंडेंसेशन ऑफ डाइओल, ऐसे कंपाउंड जिसमें दो अल्कोहल ग्रुप हों तो उसे डाइओल कहते हैं। और साथ में हम यहाँ पे लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो भी डाई लेने पड़ेंगे तभी बनेगा ये, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमने अभी पढ़ा, कहाँ पढ़ा बच्चे? आपने अभी नहीं पढ़ा कहाँ? अरे यार, एडिपिक एसिड में दो थे ना उसमें, तो वही। ठीक है, तो बाई कंडेंसेशन ऑफ डाइओल एंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें जो पहला आएगा, दोनों एक जैसे ही हैं, तो पहला है इसमें जैसे बोलते हैं टेरिलिन, टेरिलिन के कपड़े होते हैं ना, टेरिलिन की पेंट, शर्ट, वूल सिला जाता है, तो पहला है टेरिलिन। ठीक है, टेरिलिन का एक और चीज़ बोलते हैं डेक्रॉन, डेक्रॉन, डेक्रॉन भी कहते हैं इसे, टेरिलिन को क्या बोलते हैं भैया? डेक्रॉन कहते हैं। किसको? टेरिलिन को। टेरिलिन क्या होता है? जिससे कपड़ा बनता है, टेरिलिन, टेरीवुल्क, टेरीसिल्क। ठीक है, ऐसे तो टेरिलिन का एक नाम डेक्रॉन है। सर ओरलॉन किसका नाम है? ओरलॉन पेन का है। पर्लॉन किसका नाम है? नायलॉन 6 का। टेफ्लॉन किसका नाम है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन का। तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अब देखो पॉलीएस्टर भी है ये, पर ये होमोपॉलीमर भी है, या को है, को पॉलीमर है। क्यों है को? दो से बनेगा। तो क्या सर नायलॉन 6.6 भी को पॉलीमर था? यस, नायलॉन 6.6 इज ऑल्सो कोपॉलीमर, दो से बना ना, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड, बट नायलॉन 6 क्या है? होमोपॉलीमर है, वो कैप्रोलेक्टम से बना। तो ये नोट करके लिख लेना, नायलॉन 6.6 में जगह होगी कि इट इज़ अ होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर, कोपॉलीमर, क्योंकि दो से मिलके बना। तो नायलॉन 6.6 इज कोपॉलीमर एंड नायलॉन 6 इज होमोपॉलीमर, ये भाई कोपॉलीमर है। अच्छा, इसके मोनोमर्स क्या होते हैं? तो इसके मोनोमर्स होते हैं, ध्यान से सुनना, पहला, दूसरा। पहला है टी, है ना, टी, टी बहुत इंपॉर्टेंट है। टी मतलब टेरिप्थैलिक एसिड, टेरिप्थैलिक एसिड, टेरिप्थैलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो देखो ग्लाइकॉल एक है टेरिप्थैलिक एसिड, दूसरा है इथाइलिन ग्लाइकॉल।
बहुत इंपॉर्टेंट, देखो टी से टी रिलेट कर देना बस। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दूसरे में याद नहीं करना पड़ेगा क्या आएगा। टेरिप्थेलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, CH2, पहले डबल बॉन्ड होता था इथिन में, डबल बॉन्ड हटा, दो इलेक्ट्रॉन बचे, दोनों इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियोफाइल आया कौन, OH। OH न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियस लविंग, क्योंकि O पे लोन पेयर होते हैं दो ऊपर नीचे, इसलिए न्यूक्लियोफाइल है ये, है ना। यह न्यूक्लियोफाइल कैसे हो सकते हैं, नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अच्छा नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं वो, न्यूक्लियस डेफिशिएंट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंट। तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल है CH2OH, ठीक है। मैं तो खेलता रहूँगा तुम्हारे साथ ऐसे, तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। सीधा सीधा स्टेटमेंट दे दूंगा तो गलत हो जाएगा, और अगर स्टोरी चलेगी गलत करेंगे सही करेंगे तब बढ़िया होते हैं। तो इथाइलिन ग्लाइकोल ये हो गया, और टाइथैलिक एसिड बहुत ईजी है। देखो क्या, CWH बनाऊँ और यहाँ CH2 दे दो। कितने देने सर, होल सिक्स दें, होल एट दें, कितने दें, ऐसे कुछ ही नहीं देना भाई, यहाँ रिंग देनी है बेंजीन की, ठीक है। ये लो बेंजीन की रिंग दे दी, ऐसे रिंग अच्छी बना सकते हो तो बना लो, हमारे तो ड्राइंग बेकार है भैया पहले से, ठीक है ये, ठीक है। टेरिप्थेलिक एसिड टी से टी कनेक्ट कर देना, टेरिप्थेलिक एसिड ये है, इथाइलिन ग्लाइकोल ये है। मैंने बोला था डाई ऑल लेंगे तो दो OH ग्रुप है, मैंने बोला था डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे तो CWH दो है, बस आपको पता है एस्टर कैसे बनेगा। आपको क्या हटाना पड़ेगा, इधर से OH इधर से H, तो COO बन जाएगा ना भाई, इधर से H हटा लो बस, तुम्हें तो लालच आएगा यहाँ से OH हटाओ, OH मत हटाओ, OH यहाँ से हटाओ। तो देखो H2O अगर अलग हो गया तो COO, इससे पहले R है उसके बाद भी R है, ये भी तो एक तरह का अराइल ग्रुप है R, और इससे पहले भी क्या है R है, ठीक है। तो R R और उसके बीच में COO, क्योंकि H और OH तो गया, तो यहाँ पे R अल्काइल ये रहा, R अल्काइल ये रहा और बचा COO, बस यही है। आई बात समझ में, तो ऐसी रिएक्शन करनी है इसकी, पहाड़ थोड़ी है, कर लोगे, करो फिर करें। चलो तो रिएक्शन बनाते हैं इसकी, तो रिएक्शन देखो क्या है, हमने N मॉलिक्यूल ले लिए इथाइलिन ग्लाइकोल के, जो कि है CH2OH, नीचे भी कितना है CH2OH, ये ले लिया N मॉलिक्यूल, ठीक है, अलग अलग। और फिर उसके बाद हमने N मॉलिक्यूल लिए टेरिप्थेलिक एसिड के लिए, टी से याद रखना सीधी लाइन है, सीधा जाएगा वो, मुड़ेगा नहीं। तो N CWH बेंजीन रिंग फिनाइल ग्रुप, और यहाँ पे भी है CWH, ये हो गया, ठीक है। और करना क्या है भैया, कितने बार बताऊँ आपको क्या करना है, एच हटाओ वहाँ से, तो ये अगर ऐसे बनाना है तो ये तो गलत हो जाएगा, गुना COOH बना लो ऐसे, अब सही है ना भैया, ठीक है। तो OH और H चले गए, सर नीचे वाले भी जाएंगे, और तो नीचे वाले भी ले जा लो यार, मेरे को क्या जा रहा, यहाँ से H जाएगा और यहाँ से OH जाएगा ऐसे, ठीक है। ये दोनों चल गए, जो बचा उन्हें जोड़ दो। देखो CH2 COO बनेगा, COO फिर ये सर किसके साथ जाएगा, तो भाई दो ही थोड़ी हैं, ऐसे तो बहुत सारे होंगे ना, तो ये हमें तो बस एक दिखानी है, एक बॉन्डिंग, ठीक है। तो आप एक बॉन्डिंग दिखा देना बस, है ना, बाकी बात बन जाएगी। रिएक्शन सिंपल, कुछ पानी निकला, हाँ प्रत्येक एक मॉलिक्यूल में कितने निकल रहे हैं, दो निकल रहे हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे -2NH2O, दो निकल रहे हैं ना भैया, तो दो लगा दिया, N की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, समझ में आया ना। हर एक इस पेयर के लिए दो वाटर के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, तो 2NH2O लगा दिया। इसका भी टेम्परेचर याद रख लेना, 420 से 463 केल्विन होता है, 420 से 463 केल्विन। अब जो बन रहा है बनाओ और लिख दो, क्लियर भाई, जो बन रहा है बनाओ और लिख दो। चलिए देखें कैसे बनेगा, जो बन रहा है बना लो यार। देखो रिंग बनाई, बहुत बढ़िया, गलत करोगे तभी तो सीखोगे, रिंग बनाई, ठीक है। क्या है, CH2 है, नीचे क्या है, CH2 है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद क्या है, OH तो गई, फिर इसके बाद क्या है, OOC है, तो लगा दो यहाँ OOC, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे रिंग है, क्लियर। उसके बाद क्या है, COO है, बहुत बढ़िया, ऐसे बंद कर दो, होल एन लगा दो। ये H2O समझ में आया ना, अब मैं मिटा रहा हूँ H2O गई, ताकि ये तुम्हें क्लियर दिख जाए साफ, ये लो
दिख गया क्या है, CH2 CH2 है लगा दिया, COO COO लगा दिया, रिंग है ठीक है, COO ठीक है। अब थोड़े से सोफिस्टिकेटेड बनाने के लिए देखो क्या करो, सी सिंगल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ऐसे लिखो, ये भी सी सिंगल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ, तो ये चीज़ आपके बन जाएगी क्या, टेरिलिन। ऊपर क्या है, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है और वो टेरिप्थेलिक एसिड है, टेरिलिन बन गया। देखो सी ओ ओ की बॉन्डिंग बन रही है, एस्टर बॉन्डिंग बन रही है, एस्टर एस्टर लिंकेज है, ये याद रखना क्लियर, बहुत बढ़िया एस्टर लिंकेज है ये। अब नेक्स्ट देखो, इसमें इसके प्रॉपर्टीज और यूजेस देख लो, प्रॉपर्टीज और यूजेस। तो एक तो इसके देखो प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि एक तरह का कपड़ा है तो इसमें फाइबर होंगे और वो फाइबर रेजिस्टेंट होते हैं टू हीट एंड केमिकल। ऐसे नहीं कि आप आग में डाल दोगे तो वो जलेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर भूल चूक से आग लग जाए तो ये रेजिस्ट करते हैं उसे, भूल चूक से आग लग जाए तो रेजिस्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि आपने कपड़ा ही फेंक दिया आग में तब तो जलेगा ही, कुछ होगी ना टॉलरेंस लिमिट, उतना ये वो करेगा। तो रेजिस्टेंट टू हीट एंड केमिकल या इट्स फाइबर, ये फाइबर होता है ना इसके, टेरिलिन टेरिबुल्क, इट्स फाइबर्स आर रेजिस्टेंट टू हीट एंड केमिकल्स। इसके जो फाइबर होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं टू हीट एंड केमिकल्स, ये याद रखना। और इट हैव ऑल्सो या इट हैव ऑल्सो प्रिजर्व क्रीज, जो पैंट में क्रीज बनती है ना, क्रीज क्रीज पता है ना आपको, बनाते हैं जैसे कोई पैंट होती है तो यहाँ पे क्रीज बनती है ना, तो उसको ये प्रिजर्व करके रखता है ना, क्रीज को प्रिजर्व करके रखता है। और क्या हो सकता है इसको, वो बहुत जल्दी सूखता है, ये नेचुरल कॉटन या लिनन से, लिनन या कॉटन के क्लोथ होते हैं उससे जल्दी, उसके कंपेरेटिवली जल्दी ड्राइजअप हो जाता है, तो ड्राइजअप क्विकली, बहुत जल्दी ड्राई होता है। और इसके जो फाइबर होते हैं वही पुरानी बातें, ड्यूरेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, इट्स फाइबर्स आर ड्यूरेबल, इसके फाइबर ड्यूरेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं ठीक है, और स्ट्रांग होते हैं, एंड स्ट्रांग। इसका यूज़ क्या है, मेनली फॉर फैब्रिक होता है भाई इसका यूज़, फैब्रिक बनता कैसे है, जैसे मैंने टेरी लगा दिया, टेरी, तो टेरी से क्या क्या बन सकता है, टेरी वूल बन सकता है, टेरी सिल्क बन सकता है, टेरी कोट बन सकता है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें बन सकती है, टेरी वूल, टेरी सिल्क, टेरी कोट। और जनरली जो हेलमेट का ग्लास होता है वो भी इसी से बनता है, हेलमेट का जो ग्लास होता है रीइंफोर्स वाला ठीक है, जो फोर्स को झेल लेता है, इम्पैक्ट नहीं होता उसमें, इम्पल्स इतना नहीं बनता, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो हेलमेट का ग्लास रीइंफोर्स मटेरियल जो होता है वो इससे बन जाता है, मटेरियल लिखना है तो लिख लो, ग्लास रीइंफोर्स मटेरियल वो भी इसी से बनता है ठीक है, हेलमेट का ग्लास रीइंफोर्स मटेरियल वो भी इसी से बनता है भैया ठीक है, शाबाश। चलिए ये तो हुई बात टेरिलिन की, अब हम बात करेंगे ग्लिप्टल की, जो इसी का भाई है, टेरिलिन के बाद कौन है, ग्लिप्टल है जी। पॉलीस्टर में दूसरा है, पॉलीस्टर में ही है भैया, कौन है, ग्लिप्टल, ग्लिप्टल क्या नाम है, ग्लिप्टल। और इसका एक और नाम है एल्काइड्स, एल्काइड्स एल्काइड्स, या तो ग्लिप्टल बोल लो या एल्काइड्स बोल लो ठीक है, दोनों चलेंगे। मोनोमर क्या है, मोनोमर में फ़र्क क्या है, देखो एक चीज़ पहले कॉमन बता देता हूँ क्या है, मैंने बताया था ना टेरिप का टी याद रखना। अब देखो इसके मोनोमर्स क्या हैं, दो हैं, तो ये भी एक तरह का कोपॉलीमर है, और कंडेंसेशन तो है ही, कोपॉलीमर है क्योंकि दो से मिलके बना, और कंडेंसेशन तो है ही। तो पहले तो केम कॉमन है, कौन, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल तो कॉमन है, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये आपका इथाइलिन ग्लाइकोल है। साथ में आपकी दूसरी चीज़ क्या बनती है,
दूसरी चीज़ यहाँ ठैलिक एसिड होता है, ठैलिक एसिड। देखो वहाँ पे अगर आप याद हो तो बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे था CWH, अब हम ऑर्थो पे लगाएंगे, ऑर्थो और मेटा पे। तो होगा कैसे, थैलिक एसिड, तभी मैं बोल रहा था टी याद रखो, टी मतलब फैल के पैरा पोजीशन पे है, ठीक है। थैलिक एसिड क्या होगा, रिंग बनाएंगे बेंजीन, रिंग बनाई बेंजीन, एक CWH इधर और एक COOH इधर, ये दो, ठीक है, थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल, ये आप लोग याद रखना, बस बनाने तो वैसे ही है। और भैया सबसे मेन बात ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, कैसे होता है थर्मोसेटिंग, वो तो फाइबर था, टायरिलिन जो था फाइबर था, ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, याद रखना। चलो रिएक्शन करते हैं, देखो रिएक्शन करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल के एन मॉलिक्यूल ले लिए, CH2OH और यहाँ पे भी CH2OH, और थैलिक एसिड के भी एन मॉलिक्यूल ले लिए, थैलिक एसिड के एन मॉलिक्यूल, थैलिक एसिड के, थैलिक एसिड क्या होता है यहाँ पे हो, अरे या ऐसे बना लेते हैं, ये रिंग हो गई, इधर CWH और इधर भी CWH। अब सॉरी यार ज्वाइन नहीं कर पाया, पर समझ लेना है ना, ये दोनों को रिएक्ट कराते हैं, आपको ही पता है कैसे कराने, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, तो यहाँ से तो H गया किसके साथ, OH के साथ, सिर्फ H, यहाँ से OH के साथ फिर कौन गया, H गया, सिर्फ H, ये ठीक है, दोनों को रिएक्ट करा दो, आई बात समझ में, पहले का समझ में आया, ठीक है, दोनों को रिएक्ट करा दो, हीट करेंगे और पर उससे दो N के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, तो 2NH2O रिएक्ट कराएंगे, देखो बनाकर, यहाँ CH2 है, नीचे भी क्या है CH2, ऊपर भी CH2, नीचे भी CH2, आगे बढ़ेंगे, CH2 हटा तो रिंग बनेगी, रिंग बना दी, रिंग के उधर क्या है, इधर C है, ठीक है, फिर क्या है, डबल बॉन्ड O है, फिर क्या है O है, ठीक है, होलन, और इधर भी क्या है, सी होगा, ठीक है, और COOR होता है, तो इस सी से ये जुड़ेगा, एक डबल बॉन्ड ओ ऐसे रहेगा, ओ ऐसे रहेगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, और क्या करें, ऐसे जोड़ लो OCH2, यार जैसे जोड़ना है आपको वैसे जोड़ लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे भी जोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है अपन लोगों को, ऐसे भी चलेगा, ठीक है। और सोफिस्टिकेटेड बनना है तो आप लोग ये देख सकते हैं कि बॉन्डिंग ओ से नहीं होगी, बॉन्डिंग सी से होगी, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर होता है ना, तो वैसी वाली बॉन्डिंग है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये पूरी चीज़ आर के जैसे काम कर रही है, ये वाला उससे ज्वाइन होगा, या क्या पता वो दूसरे मॉलिक्यूल से हो, तो बनेगा तो ऐसे CH2 बनाओ, इसे खोल के लिख दो बस ऐसे, ये आपका ग्लिप्टल हो गया, वो टेरिलिन था ये ग्लिप्टल था, ठीक है, ये चीज़ है, ये इथाइलिन ग्लाइकोल और ये थैलिक एसिड है, क्लियर, बहुत बढ़िया। इसके प्रॉपर्टीज़ और यूजेज देख लो, तो फिर आपका पॉलीएस्टर भी ख़त्म हो जाएगा, पॉलीएमाइड तो आपने ख़त्म कर ही दिया है। अब देखो इसके प्रॉपर्टीज़ देखो, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसके प्रॉपर्टी, तो यार प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि एक तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है 3D, तो आप समझ जाएंगे इसे तोड़ेंगे तो ये चटक जाएगा और ये मेल्ट होगा, तो दोबारा रीशेप रीकास्ट नहीं हो सकता, रिमोल्ड नहीं हो सकता, तो इट इज़ थर्मोसेटिंग 3D पॉलीमर, थर्मोसेटिंग 3D पॉलीमर। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि कोई फ्री वैलेंसी नहीं रहती है ना, तो इसलिए पहले से क्रॉस लिंकिंग हो गई है, थर्मोसेटिंग 3D पॉलीमर है, और क्या हो सकता है इसमें, 30 नहीं है वो 3D है, अच्छा इसका एक प्रैक्टिकल यूज तो है ही, एक फिल्म बना देता है, हाँ तो इसको हम ये लिखते हैं, वैन इट इज़ डिजॉल्व इन, ये सबसे मेन है, वैन इट इज़ डिजॉल्व इन सॉल्यूबल या डिजॉल्व ऐसे कुछ होता है, वैन इट इज़ डिजॉल्व इन सूटेबल सॉल्वेंट, जब हम इसे सूटेबल सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं ना, घोल दिया हमने अगर इसे किसी में, एंड देन इवेपोरेटेड एंड देन
इवापोरेटेड, जब हम इवापोरेट कर देंगे ना फिर उस सॉल्यूशन को, देन देयर विल बी एक थिन फिल्म हो जाती है, थिन फिल्म, पिक्चर नहीं बनती यार, फिल्म रह जाती है, समझाता हूँ अभी एक मिनट, देन देयर विल बी थिन फिल्म विच इज फ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल होगी, लिप्टल की बात कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल के साथ कुछ और चीज, फ्लेक्सिबल नहीं होगी यार, फ्लेक्सिबल तो ये पहले होती थी, चलो पहले टफ होगी, विच इज टफ एंड नॉन फ्लेक्सिबल, टफ और नॉन फ्लेक्सिबल क्या चीज़ है ये? मान लो हमारे हाथ में ग्लिप्टल है, हमने उसे सॉल्यूशन में डाल दिया, सॉल्यूशन बनाया, इसे इवेपोरेट करा, हीट करा, जब पानी सारा उड़ जाएगा तो नीचे एक फिल्म रहेगी जो ना बिल्कुल हार्ड मास सी होगी ना, वो फ्लेक्सिबल होगी और टफ सी हो जाएगी, जैसे जल जाता है कोई चीज़ तो नीचे जमा नहीं हो जाता, वैसी चीज़ है, ठीक है, जल के जैसे प्लास्टिक नीचे जमा हो जाता है वैसी चीज़ है, ठीक है। तो एक तो थर्मोसेटिंग 3D पॉलीमर है, और जब इसको हम सूटेबल सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं फिर इवेपोरेट कर देते हैं, तो जो नीचे बचा रह जाता है जब वो उड़ जाता है, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट बोलते हैं उस चीज़ को जो उड़ जाती है ना, तो फिल्ट्रेट नहीं, फिल्ट्रेट जो बच गया वो होता है, तो जो बच गया उस चीज़ में ना फ्लेक्सिबिलिटी होती है और बहुत टफ सा होता है वो कैड़ा सा, ठीक है। और 3D पॉलीमर है, कुछ होगा नहीं, उसे जलाओगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो बाहर तो निकलेगा नहीं। यूजेज यार इसको देख सकते हो आप कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, एक तो लेक्वर्स में यूज़ होते हैं, लेक्वर्स क्या होते हैं, लिक्वर नहीं है भाई, लेक्वर्स हैं, लेक्वर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो दारू से बने, लिक्विड से बने, मतलब लिक्वर से बने, इथेनॉल से बने, मिथेनॉल से बने, उन्हें लेक्वर्स बोलते हैं, जैसा कि नेल पॉलिश, जैसे आपका थिनर, जैसे आपका मार्कर, ये चीज़ें, ठीक है, नेल पॉलिश, थिनर, मार्कर, ये चीज़ें, और लेक्वर्स हो गया। साथ में यार इसको पेंट्स में भी यूज़ करते हैं, ऐसा थिनर, थिनर यूज़ करते हैं ना पेंट में, तो वैसी चीज़ें, मतलब थिनर यूज़ करते हैं, पर थिनर बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये ग्लिप्टल, ठीक है, ये चीज़ है, शाबाश। और फाइनल आपके चीज़ है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ये देखो क्या चीज़ है, तीसरा है ना, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, नाम ही इनका यही है, तीसरा है फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, इसके बारे में पढ़ने, याद रख लेना अब ये जो दो आएंगे उनके मोनोमर एक ही हैं, मोनोमर हमेशा ही, जो अब दो आने वाले हैं जिनका नाम है नेवोलेक और बेकालाइट, बेकालाइट आपको पता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनते हैं उससे, तो नेवोलेक और जो बेकालाइट हैं उनके मोनोमर्स हमेशा ही फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड है, कन्फ्यूज़ मत होना, मोनोमर हमेशा ही कौन है, जो अब दो आएंगे, तो मोनोमर ऑफ नेवोलेक एंड बेकालाइट, नेवोलेक एंड बेकालाइट बोथ आर, दोनों के जो मोनोमर्स हैं नेवोलेक के भी बेकालाइट के भी, वो हैं, पहला है फिनॉल, फिनॉल, फिनॉल आपको पता है बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप, या आप ऐसे लिख सकते हो C6H5OH, पर आप बड़े लोग हो ऐसे लिखे करो ना। और दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड पता है ना, सबसे छोटा एल्डिहाइड ग्रुप, पॉली एल्डॉक्सी ग्रुप, एल्डॉक्सी ग्रुप है, पॉली एल्डॉक्सी तो नहीं है, एल्डॉक्सी है, तो फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO, या ऐसे लिख सकते हो CH डबल बॉन्ड, ठीक है, ऐसे CHO एल्डिहाइड ग्रुप है ना ये वाला, तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड इससे दो बनेंगे, नेवोलेक और बेकालाइट, एक लीनियर पॉलीमर होगा, एक 3D पॉलीमर होगा, ठीक है जी, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड इनसे बनेंगे। चलो बहुत बढ़िया, तो फाइनली ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, तो देखो है क्या, एक बार मैं मार्कर देख लूँ कोई अच्छे से, फिर पढ़ाता हूँ आपको। इससे बात नहीं बनेगी यार, परेशान हो गया। चलो देखो बेसिक सी, एक पहले ना रिएक्शन देख लो इनसे क्या बनेगा दोनों से, अभी हम नेवोलेक बेकालाइट की बात नहीं करेंगे, अब अभी हम एक जनरल ट्रांजिशन कंपाउंड बनाएंगे जो इन दोनों को जन्म देगा, किसको, नेवोलेक और बेकालाइट को। तो फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन कंपाउंड,
फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन कंपाउंड। एक ट्रांजिशन कंपाउंड बनेगा, ये जो कंपाउंड बन जाएगा ना, क्या चीज़ बनेगी आपको अभी पता चल जाएगा, पर ये जो ट्रांजिशन कंपाउंड बनेगा, अब यही अगर लीनियरली ऐड हो जाए, लीनियरली रिपीट हो जाए, लीनियरली पॉलीमराइज हो, लीनियरली ऐड हो जाए, रिपीट हो जाए, पॉलीमराइज हो, तो बनेगा नेवलैक। और अगर ये 3D क्रॉस लिंकिंग में ऐड हो, रिपीटेड हो, तो ये बनेगा बेकलाइट। पर मेन बात क्या है, ये इसका मोनोमर नहीं है, ट्रांजिशन कंपाउंड मोनोमर नहीं है, जो अभी बनेगा ऑर्थोहाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ऑर्थोहाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, वो मोनोमर नहीं है, मोनोमर हमेशा फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड है, याद रखना। नेवलैक का भी मोनोमर फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड है, बेकलाइट का भी मोनोमर फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड है। कुछ बहुत समझदार बच्चे ये लिख देते हैं ट्रांजिशन कंपाउंड को मोनोमर, जो कि गलत है। तो देखो, एक जनरली हम रिएक्शन कराते हैं बेसिक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, हम लेंगे फिनॉल, बेंजीन रिंग पे OH, और लेंगे फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड O और H, और इन दोनों की किसी बेसिक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे। बेसिक कैटलिस्ट कोई भी बेसिक कैटलिस्ट ले लो आप, आयरन ले लो, वैनेडियम पेंटोक्साइड ले लो, ऐसे ले लो, आगे भी बना सकते थे पर जगह नहीं है, आप लोगों की कॉपी आगे ही बनाना। तो ऑर्थोहाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल बनता है इसमें, पैरा मेजर होगा, ठीक है, फिनॉल आपको पता है OH ऊपर ही आएगा, ठीक है, ऑर्थोहाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल कैसे बनाएंगे यार, फिनॉल तो ये है। उसके बाद मैंने बोला आपको ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, और दूसरा है पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ये दो चीज़ें, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। फिनॉल में कोई चिंता नहीं है, फिनॉल तो हो गया। अब देखो हाइड्रोक्सी मिथाइल है, क्या होता है हाइड्रोक्सी मिथाइल, ये हो गया CH4 मिथेन, और CH3OH क्या होता है, ये होता है मिथेनॉल, शाबाश। मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे CH3 है, क्या है CH3, यहाँ पे भी है CH3, तो आप बोलोगे ये क्या है, मिथाइल फिनॉल है, क्या है मिथाइल फिनॉल, ऑब्वियसली क्या है मिथाइल फिनॉल है, ऑर्थोमिथाइल फिनॉल और पैरा मिथाइल फिनॉल, ठीक है। अच्छा इसका तो ये यहाँ पे बनेगा, थोड़ा यहाँ पे बनवा लेता हूँ, यहाँ से दिखता नहीं है ना ऐसे, ये अभी फाइनल कंपाउंड नहीं है यार, थोड़ा चलो तो स्टोरी के साथ, सीधा आंसर से क्या मतलब है तुम्हें, ये देख लो, अभी ये है मिथाइल फिनॉल ऑर्थोमिथाइल फिनॉल, और ये है पैरामिथाइल फिनॉल, ऑर्थोमिथाइल फिनॉल और पैरामिथाइल फिनॉल। अब देखो एक हाइड्रोजन कम कर दिया, CH2 है, यहाँ पे भी क्या CH2, उसकी जगह कोई लाना है OH ले आओ, क्या ले आओ OH। तो अब देखो सब्स्टिट्यूशन का भी सब्स्टिट्यूशन है, आई बात समझ में, एडिशन जो रिंग बनाई जो आपका ये आपका सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, उसमें भी क्या है एक खुद का सब्स्टिट्यूशन है OH, ठीक है, जो आपने साइड चेन बना रखे हैं ना, ये जो आपने सब्स्टिट्यूएंट लगाई उसका भी अपना सब्स्टिट्यूएंट है, देखो OH, तो ये होगा हाइड्रोक्सी, ये होगा मिथाइल, क्योंकि पहले तो CH3 था तो मिथाइल था, अब हाइड्रोक्सी लग गया इस पे, तो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, तो ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल और पैरा पे हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। भैया ये मोनोमर नहीं है, ये आपका ट्रांजिशन कंपाउंड है, ये मोनोमर्स नहीं है, नहीं मोनोमर्स नहीं है, मोनोमर्स हमेशा कौन है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है जी, मोनोमर हमेशा कौन है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड है, ये तो हमने ऐसे बना दिया, क्लियर, बहुत बढ़िया, ये ऐसे बनाए हैं, ये नहीं है, ठीक है, क्या कहें, ऑर्थोहाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल और पैराहाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, याद रखना, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखो अगर ऑर्थो वाले ऐसे चिपक गए, ठीक है, तो क्या बनेगा, और अगर पैरा वाले चिपक गए तो क्या बनेगा, ठीक है, ये चीज़ देखेंगे। तो अब हम शुरुआत कर लेते हैं नेवलैक और बेकलाइट की, दोनों के मोनोमर फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड ही हैं, ये तो ट्रांजिशन कंपाउंड है, ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से ही मिला, तो सबसे पहले मोनोमर लिए फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, वो दो पार्ट में बट गए, एक तो ऑर्थोहाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, और एक या तो नीचे ऑर्थो ऑर्थो या पैरा पैरा, ऐसे चल सकता है। तो अब देखो नेवलैक कैसे बनेगा, नेवोलैक
सुना है नैरोलैक? नैरोलैक शाहरुख खान का आता है ना, वही नेवलैक। ठीक है, तो नेवलैक कैसे बनता है? सिर्फ यहाँ पे टेक ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, सिर्फ ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल लो यहाँ, सिर्फ ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल ये लेने। तो एन ले लेंगे वो, ठीक है, तो एन ले लिया, कौन ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, क्या होते हैं वो, इधर बनाते हैं थोड़ा बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, इधर क्या बनाया, अरे यार कैसे बेंजीन रिंग बना रहे हो सर, तो ये लो ये बेंजीन रिंग बना दी, इस पे OH, तो ये भी फिनॉल हो गया, और ऑर्थो ये रहा मिथॉक्सी, ठीक है, ऑर्थो मिथॉक्सी या ऑर्थो मिथाइल या हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। ऐसे हमने N ले लिए, अब होगा क्या, यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, पानी निकालो, कुछ एक कम निकलेगा, एन माइनस वन एच टू ओ निकाला, और ये लीनियरली ऐड होंगे, कैसे ऐड होंगे, लीनियरली, लीनियरली बच्चों यहाँ लिखो तूने, ये क्या है ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल ही है ये सिर्फ यहाँ पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल लेना है, और इन सबको जोड़ देना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे एक ये रहा, एक मैं और रफ बनाता हूँ, यहाँ पे है OH, रफ है ये, है ना, ये तो फेयर है, नीचे वाला रफ है, तो होगा क्या मैं बताता हूँ, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, फिर इधर से OH, इधर से H, इधर से OH, इधर से H, इधर से OH, इधर से H, ऐसे चलती है ये, ठीक है। तो यहाँ से तो हटा रहा हूँ, वाटर का रिमूवल होगा, एक से OH, एक मॉलिक्यूल से OH, एक से H, फिर एक से OH, एक से H, ऐसे चलता रहता है। तो फाइनली बनेगा क्या, बनेगा कुछ ऐसा, होलाइन बन जाएगा, और एक तरह का लीनियर पॉलीमर बनेगा, लीनियर पॉलीमर, एक तरह का आप पे लीनियर पॉलीमर बनेगा, ठीक है। बनाना कैसा है, सिंपल सी बात है, बेंजीन रिंग यहाँ पे बनाएंगे OH, फिर आएगा CH2, फिर आएगी रिंग, फिर बेंजीन रिंग, फिर OH, फिर CH2, और फिर ऐसे दोबारा बेंजीन रिंग OH CH2, फिर बेंजीन रिंग, फिर OH, फिर CH2, फिर बेंजीन रिंग, फिर OH, फिर CH2, तो ऐसे चलता रहता है, यहाँ डॉट डॉट बना दो, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है, लीनियरली ऐसे ही चलता रहेगा। क्या है, सबसे पहले स्टार्ट बेंजीन रिंग OH CH2, फिर बेंजीन रिंग OH CH2, फिर बेंजीन रिंग OH CH2, फिर बेंजीन रिंग OH CH2, ऐसे चलता रहेगा, लीनियर पॉलीमर है भैया ये, ठीक है। बनता किससे, सिर्फ ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल लेने, तो ये एक लीनियर पॉलीमर है, इट इज़ अ लीनियर पॉलीमर ये, ठीक है जी, शाबाश। अब इसके बाद नवले की हो गया, बेकलाइट देखो क्या है, टेक बोथ, दोनों लेने, ठीक है, तो यार इसमें मेरे हिसाब से दोनों लेते हैं, दोनों लेते हैं, और जनरली या तो टेक ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल एज वेल एज पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, एक मिनट में पानी पी लूँ यार, दोनों लेने हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो पहले तो ये काम है, या तो दोनों ले लो, ये दूसरा ये कर सकते हैं कि नेवलैक के बाद अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेकालाइट है ना, तो बेकालाइट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी, सॉरी नेवलैक हो गया, नेवलैक में ऑर्थो लेते हैं, सीधा बना देते हैं, बेकालाइट की बात करेंगे, तो बेकालाइट में पहले तो हम या ये काम कर सकते हैं इसे बनाने के लिए कि दोनों ले लें और दोनों में करा दें कंडेंसेशन, या दूसरा क्या है, नेवलैक 10 फॉर्म जो बन गया, नेवलैक 10 फॉर्म जो हमारा नेवलैक बन गया ना, उसको हम ट्रीट करते हैं, ट्रीट विद किससे, पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, जो हमारा वो बन गया ना नेवलैक, या तो उसे पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल से ट्रीट कर लो, कम टाइम लगता है, ये बढ़िया होता है, ये प्रीफर्ड मेथड है, या तो ऊपर क्या है, दोनों ताज़े ताज़े लो ऑर्थो और पैरा और दोनों को रिएक्ट कराओ, या आपने नेवलैक बना दिया फटाफट और उसमें सॉरी पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल को रिएक्ट करा लो, ये रिएक्शन ज़्यादा प्रीफर्ड होती है, इसमें ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब द प्रोडक्ट 10 फॉर्म जो इनसे प्रोडक्ट बनेगा ना, द प्रोडक्ट 10 फॉर्म
इज नॉट लीनियर, वो लीनियर नहीं होगा। नेवलैक तो लीनियर है देखो, पर जब नेवलैक पैराहाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल से रिएक्ट कर जाता है तो अब वो लीनियर प्रोडक्ट नहीं बनाता, खुद तो लीनियर है पर जब वो पैराहाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल से रिएक्ट कर जाता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो नॉट लीनियर होगा, मतलब नॉन लीनियर होगा। इनफैक्ट इट इज 3D क्रॉस लिंक, इट इज 3D क्रॉस लिंक पॉलीमर, 3D क्रॉस लिंक पॉलीमर नोन एज बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट बोलते हैं उसे, जो नेवलैक है जो कि लीनियर है, जब वो पैराहाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल से रिएक्ट करता है तो एक 3D क्रॉस लिंक पॉलीमर बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बेका लाइट बोलते हैं। क्लियर इतनी बात है? बहुत बढ़िया जी। मेनली इसका काम स्विचेस बनाना होता है, आप लोगों को पता ही है। अब इसके एक रिएक्शन देख लो कैसे बनती है ना, रिएक्शन। तो आप दोनों ले लो, ठीक है, ऑर्थोहाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल भी ले लो, पैरा ले लो, और उन्हें 3D में जोड़ देना। तो एन ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं ऑर्थो वाले बेंजीन रिंग, ऊपर OH और यहाँ पे CH2OH, ये है ऑर्थो वाले, ऑर्थोहाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, और इसे रिएक्ट कराओ पैरा वाले से। तो पैरा आपको पता है कैसे बनता है, बेंजीन रिंग OH और यहाँ पे CH2OH, ये होता है ऐसे, ये भी N, इसे बोलते हैं पैरा, वो ऑर्थो हो गया, ये पैरा हो गया। ठीक है, और दोनों को रिएक्ट करा के पॉलीमराइज कराएंगे और एक 3D कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे पानी निकलता है, N टाइम्स ऑफ H2 हीट करेंगे तभी बनेगा, एक 3D कंपाउंड बनाएंगे यहाँ पे, छोटा सा, यहाँ पे लिख दो पैरा, ये पैरा है। तो एक 3D कंपाउंड बनाएंगे, बन जाएगा, टाइम है, टाइम है, आराम से बनाएंगे। तो देखो कैसे बना, बेंजीन रिंग है, OH है, CH2 है, बेंजीन रिंग है, OH है, CH2 है, बेंजीन रिंग है, OH है, CH2 है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, देन फिर नीचे CH2 दोबारा, अरे यार CH2 दोबारा, बेंजीन रिंग नीचे OH। ठीक है, आवारा समझ में उल्टा चलता है, OH नीचे OH इधर, क्लियर, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद यहाँ पे CH2 बेंजीन रिंग नीचे OH इधर CH2, फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे CH2 बेंजीन रिंग OH नीचे ऊपर CH2, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, अरे यार सीधा बना लेते हैं, ये लो CH2 ऐसे, फिर आगे ऐसे CH2, और ऐसे चलता रहता है, होल लाइन आ जाता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं बेकालाइट। ठीक है जी, कैसा है, ज्वाइन करके देख लो। ठीक है, अच्छा तो है नहीं डायग्राम, चल जाएगा, पर काम चल जाता है इतने से। और ये चीज़ हमारी बनी बेकालाइट, बेके लाइट। ठीक है, पहली वाली चीज़ क्या थी, नेवलैक, नेवलैक का यूज़ लिखा आपने, नहीं नेवलैक का कोई यूज़ नहीं है, बेकालाइट का यूज़ लिखेंगे मेन। नेवलैक वैसे पेंट फुंट में यूज़ होता है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए इसके यूजेस देख लीजिए। प्रॉपर्टी तो बताइए, 3D क्रॉसलिंक पॉलीमर है, ठीक है, क्रॉस लिंकिंग होती है इसमें, तो ना ये रिमोल्ड होगा, रिकास्ट होगा, चटक जाएगा अगर हीट करेंगे ज़्यादा। तो इट इज़ यूज इन मेकिंग क्या चीज, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए इसे यूज़ करते हैं। ठीक है जी, और कहाँ यूज़ करते हैं, कॉम्ब्स, कॉम्ब्स के तीत बनाने के लिए।